कमलनाथ कैबिनेट में सामाजिक न्याय निःशक्त जन और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाए गए लखन घनघोरिया का कहना है कि मध्य प्रदेश में जल्दी सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। अपने गृह जिले जबलपुर पहुंचे लखन घनघोरिया ने IBC24 से खास बातचीत में दावा किया कि कांग्रेस सरकार अपने वचन पत्र का हर वादा निभाकर अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश को देश में सबसे बेहतर प्रदेश बनाकर दिखाएगी। मध्य प्रदेश में अरसे बाद कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले महाकौशल के जमीनी कार्यकर्ताओं का मुस्कुराने का मौका मिला है, क्योंकि महाकौशल से 4 मंत्री कमलनाथ कैबिनेट में बनाए गए हैं और इसके संभाग मुख्यालय जबलपुर से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लखन घनघोरिया जी, जो कि अब कमलनाथ सरकार में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्रालय से नवाजे गए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। लखन भैया, किस तरह से इसको निभा पाएंगे, क्योंकि लगातार सामाजिक न्याय के मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। निःशक्त जनों की एक सेवा का अवसर भी मिला। कमलनाथ जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये फील्ड का मंत्रालय कि सरकार की योजनाएं आम जनों तक जाए, सिर्फ कागज में बने और कागज में ही ना मर जाए, ये कोशिश रहेगी हमारी। चुनौती तो है कि छिंदवाड़ा मॉडल मध्य प्रदेश में स्वीकार किया गया और देश में मध्य प्रदेश मॉडल बने, ये चुनौती तो है, लेकिन इसको कमलनाथ जी के साथ उनके नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। मैंने बात की लखन घनघोरिया जी से, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री। साफ तौर पर कहना है 35,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत हासिल की थी जबलपुर पूर्व सीट से, और अब मंत्री पद से नवाजे गए हैं। और कहना यह है कि एक बड़ा जनादेश महाकौशल से निकल कर सामने आएगा, जो कि लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। और ये दावा है कि अगले आने वाले जो 5 साल होंगे वो बेहतर तरह से जनता की तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कांग्रेस सरकार की और मंत्री लखन घनघोरिया की होगी। कैमरामैन नीरज दत्त के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर।